तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये शिमानो के MT-201 ब्रेक जो हमने दिए है साइकिल पे इंस्टॉल कर चुके हैं, इसका रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं कि ये कैसे है और ये वर्थ इट है भी या नहीं है और इनका प्राइस कितना है, सब कुछ बताएगा इसी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहना। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ये साइकिल पे लगाते कैसे हैं। तो लगाने के लिए सिंपल स्टेप होता है, देख सकते हो मैं ये पुराना वाला था, इसको मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया है जुगाड़ से, यहाँ पे नीचे कर दिया। आपकी साइकिल में अगर ये लीवर खुलता हो तो इसको खोल के हटा दो, मेरी साइकिल में तो अभी मैंने खोल के देखा नहीं है, साइड में कर दिया है। और इसको भाई तोड़ना नहीं है, भाई तोड़ना नहीं है, लगाना है तो ठीक है, हटाना है। भाई ये शिमानो का MT-201 ब्रेक है, MT-200 नहीं है। MT-200 का लीवर थोड़ा सा लंबा होता है, ये MT-201 है, इसका लीवर थोड़ा छोटा होता है। गाइस भाई बहुत गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी बहुत है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ से इसका वायर जा रहा है, इधर लाओ भाई, बहुत लंबा है इसका तो वायर भाई। और जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे अडेप्टर लगा रहता है, इसी के साथ नट बोल्ट आते हैं, आपको पुराना वाला अपना कैलिपर निकाल के नया वाला कैलिपर यहाँ पे इंस्टॉल कर देना होता है। तो ये कुछ होता है इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक जर्सी हमने नई डलवा ली है और ये मैंने डू इन मिनट एप्लीकेशन से मंगाए थे, उनको 10% पेमेंट पहले ही करना होता है। चलो अब हम इसकी बात करते हैं पावर की, और प्राइस की बात हम लास्ट में करेंगे, तो वीडियो तक बने रहना। तो गाइस पहले तो इधर आपको दिखाता हूँ कितने सॉफ्ट होते हैं। गाइस ये वाले सिंपल ब्रेक होते हैं, देखो ये एक उंगली से दबते हैं, पूरी दम लगानी पड़ती है, मतलब फोर्स ज्यादा लगता है। और ये वाले एकदम मक्खन के तरह, गाइस देख सकते हो कितने प्यार से आराम से दबते हैं। अरे भाई 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 बिल्कुल आराम से दबते हैं, इतना दम लगाने की जरूरत नहीं होती कैमरा मैन की तरह। देखो गाइस कितने आराम से दब रहे हैं, इतने से ही दबाने होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने में ये पूरे दब चुके होते हैं। इतना से दबाया भाई भाई, ये ट्राई कर रहा है कैमरा मैन। वो भाई तो मेरे में लग जाएंगे, ठीक है भाई चलो। क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई 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 तो भाई चोरी कर रहे, ये तो खुले हम भाई, मेरे को दे दो यार। नहीं 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 भाई, जो भी वीडियो चल रही है बाद में। गाइस हम कहाँ पे थे, कैमरा मैन हमें भटका देता है, बाद में दूंगा मतलब। हम बता रहे थे इसकी पावर कैसी है। तो गाइस ये देख सकते हो इतना सा दबाती है, पूरी साइकिल रुक जाती है। मैं आपको थोड़ा डेमो करके दिखाता हूँ गाइस कि कितने बढ़िया है, इतनी गर्मी है फिर भी डेमो देते हैं। ये देखो गाइस, और फिर भी आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते यार, मतलब देख सकते हैं गाइस, बस इतने से मैंने ब्रेक दबाया है, इतने से बिल्कुल हल्के से दबाने होते हैं और पूरा टायर जाम हो जाता है। देखो गाइस कुछ ही बोलो, हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक होती है भाई। और ये देख सकते हो गाइस ऐसे दबाए, हल्के से दबाया। मैं आपको एक और नमूना दिखाता हूँ, इधर आओ। तो गाइस नेक पे लग जाएगी, नेक पे बिल्कुल नेक पे। तो गाइस ये देखो अभी मैं इसका टायर घुमाने वाला हूँ, अब लगा के जाओ भाई, देख सकते हो कितनी देर टायर घूम घूम चुका गाइस, घूम चुका टायर घूम चुका गाइस, थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो गई। तो गाइस वापस से टायर घुमा के दिखाते हैं आपको, हम घर जाने के लिए। सही काम है भाई तुम्हारा, यही करोगे बड़े हो गए, टायर घुमाओ टायर घुमाओ। देखो गाइस अभी टायर घूम रहा है, देखो वही आगे भाई क्यों उसके पीछे पड़ा है भाई, इसको मेरे को दे दो यार, ये ब्रेक हमका दे दे, इतनी ये ब्रेक हमका दे दे, ले ले खुद। तो गाइस अब अरे मंगा ले खुद टू इन वन में। तो गाइस अब देख सकते हो आपने इसकी पावर देखी होगी, अब मैं आपको चलाते हुए भी इसकी पावर दिखाऊंगा और आपको विली में इसका यूज दिखाऊंगा कितना बढ़िया यूज होता है गाइस। तो गाइस देखो जब हम विली मारते हैं तो जब हम साइकिल ऊपर उठ जाती है और पीछे गिरने वाली होती है तो हमको ऐसे ब्रेक दबाना पड़ता है, जैसे ब्रेक दबाती है हम आगे आ जाते हैं। और गाइस ये ब्रेक जहर ब्रेक है, आपको कि विली में ये कैसे वर्क करते हैं, अगर आपको भी विली मारनी है तो आपको हाइड्रोलिक ब्रेक लेने चाहिए या नहीं। गाइस ही चेक करो पहले, गाइस ये चेक करो, देखो एक पत्ता नहीं हिला यहाँ का, ये हमारा ले भाई देखो दबाते ही नीचे आ गया भाई, बिजली मारने के लिए तो इतने बढ़िया ब्रेक्स है
आप सोच नहीं सकते। तो गाइज इस ब्रेक्स की पावर चेक करने के लिए हम एक बार डार्क राइडर को चलाने के लिए देते हैं कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि भाई इसने अब तक हाइड्रोलिक ब्रेक आज तक कभी यूज नहीं किए है। तो गाइज मैंने इसको अपनी साइकिल दे दिया है, क्या आपने कभी इधर तो आप डार्क राइडर भाई तुम्हें बताना है कि ये ब्रेक कैसे है, ठीक है, इनकी पावर बतानी है, ठीक है भाई। तूने भाई कभी ये इस्तेमाल कभी नहीं है भाई? नहीं भाई। तो भाई आज तुम इस्तेमाल करके बताओगे इनकी पावर कैसी है। चलो जाओ भाई व्हील मार के दिखाओ भाई, बेकार इस्तेमाल चेक करके देखो भाई, ये तो भाई बुखला गया, वापस भाई दिखा, क्या कहना चाहोगे कैसे है? बस 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 भाई सबने उसकी देंगे। कैसे है भाई? भाई ये यमराज को बुलाने वाले ब्रेक है गाइस, भाई बहुत तगड़े है भाई, बहुत तगड़े। अभी नॉर्मल जैसे 50 ब्रेक आएंगे ना उसको मिला के एक ब्रेक बनेगा भाई, से होने वाले। तो भाई आप भाई तो भाई इससे देख सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो भाई ये बंदे ने पहली बार हाइड्रोलिक ब्रेक चलाए। तो भाई ये व्हीली मारने के लिए इसने हल्का सा प्रेस किया, फिर भी इसके व्हील इतनी जल्दी गिर गई, तो समझ सकते हो भाई कितने बढ़िया है। वार्निंग दे रहा हूँ, जो बंदा पहली बारी बार यूज कर रहा है ना तो उसको ना आराम से करे, तो आराम से इसको हल्का हल्का दबाना होता है, मेरे से भी गंदा हो रहा है वो तो भाई। बढ़िया पावर है भाई, प्राइस बता दो उसका कितना है? भाई प्राइस अभी प्राइस जानने के लिए बहुत ही इच्छुक है और बेताबे इंतजार नहीं कर रहा, एक्साइटेड है भाई, एक्साइटेड। तो चलो बताते हैं प्राइस। अब मैं प्राइस बताने जा रहा हूं गाइस, इन ब्रेक्स का प्राइस है इन ब्रेक्स का। उससे पहले मैं आपको बता प्राइस 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 भाई प्राइस भाई छोड़ दे इसको। हाँ तो गाइस ये आते हैं 2 वेरिएंट में, बाय बाय प्राइस भाई मैं दोनों का प्राइस बता रहा हूँ। तो ये होते हैं गाइस 2 वेरिएंट में आते हैं भाई, इसका प्राइस, इसका प्राइस ये है इंडियन स्टैंडर्ड भाई, इसका प्राइस ये है गाइस बता रहा हूँ। तो ये 2 वेरिएंट में आते हैं, एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड, एक होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड। यूरोपियन स्टैंडर्ड आपको पता होगा कि पीछे वाले ब्रेक अपने राइट हैंड में होते हैं, कि हमारे राइट हैंड की जो ब्रेकिंग होगी वो पीछे वाले टायर में होगी, मतलब उल्टा होता है इंडिया से, और इंडियन स्टैंडर्ड होता है ये वाला। तो क्या होता है इन दोनों की प्राइस अलग अलग है, यूरोपियन स्टैंडर्ड थोड़ा सस्ता भाई, प्राइस भाई 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 प्राइस भाई स्टैंडर्ड थोड़ा महंगा आता है। तो गाइस यूरोपियन स्टैंडर्ड की प्राइस है कुछ 2900 रुपए, 2900 रुपए, और ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, आप 2 मिनट के ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। और आपको अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड को इंडियन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है अलग से 350 रुपीज की, और वो 350 रुपए देने के बाद वो आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड को इंडियन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके दे देंगे। तो अगर आप उसको 2900 को 3000 मान लो तो ये 3350 रुपए के पड़ गएगा जी एक ब्रेक, और ये जो भी मैंने मंगाई थी ये कुछ 180 रुपए की है। तो प्राइस आपको बता दिया है 3350 रुपए। अगर आपको ये वर्थ लगते हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं बताऊँ तो पावर के मामले में एकदम तगड़ी है भाई, कंपनी है शिमानो। आप ऐसे दूसरे SIV वगैरह या फिर किसी लोकल ब्रांड के हाइड्रोलिक ब्रेक लोगे तो इतने ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, जल्दी ख़राब हो जाएगा, ऑयल लीकेज हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो पावर भी इतना अच्छा नहीं देते। मैं रिकमेंड करूँगा आप भले ही महंगे से लो लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ लो। तो शिमानो को MT200 बनाइए, और अगर आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना भाई। मेरे को तो बिल्कुल बढ़िया ब्रेक लगे है, एक बार वापस देख लो आप क्या घुमाया तो गाइस आज वीडियो खत्म करते हैं बस इतना ही। तो और भाई क्या बताओ, चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ गाइस, गाइस लुक देख सकते हो आप इसका कैसा तगड़ा लुक आ रहा है गाइस, व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। दो गाइस भाई व्यू तगड़ा है क्या वहाँ पे? अरे भाई भाई आइए।